सोनाक्षी, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो आपको अपनी प्रॉब्लम बताना चाहते हैं, तो आप सॉल्व कर दीजिए प्लीज. कौन कौन है जिनकी प्रॉब्लम्स है? ओ कम ऑन बेब्स, कर ली है. हाउ आर यू? गुड. हाय सर, आई एम गुड. हेलो मैम. हाय. इंग्लिश पता था? हाय. मेरा ब्रेकअप हो गया रिसेंटली. ओ वाओ. आपके जैसी लड़कियों को भी ब्रेकअप होते हैं? ये तो सलूशन है. मतलब ऐसी लड़कियों को भी ब्रेकअप होते हैं तो हमें तो फिर फांसी हो जानी चाहिए. क्या नाम है आपका? अर्शिया. बड़ा प्यारा नाम है आपका. कहाँ से हैं आप? चंडीगढ़ से. अच्छा. मेरी मॉम आपके बहुत बड़े फैन है. आप नहीं हो? मैं भी हूँ, ऑफ कोर्स मैं भी हूँ. बादशाह सर मुझे बहुत पसंद है. मैम भी बहुत अच्छे हैं. वैसे अब मैं यहाँ पे बोल ही रही हूँ तो मेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड जो भी बनेगा प्लीज बादशाह जैसे क्यूट से होना चाहिए. कोई मुझे कोई क्यूट लड़का मिला ही नहीं है आज तक. अब पतले पतले से मॉडल्स आ जाते हैं कहीं से. समझ नहीं आया, मेरी बेइज्जती हो रही है. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर. आप बहुत ज्यादा क्यूट हो. गोलू मोलू टाइप्स. टेडी बियर की जरूरत नहीं पड़ती अगर सर जैसा बॉयफ्रेंड हो. और लाल नहीं हो सकता. तो ब्रेकअप क्यों हुआ अर्शिया आपका? सर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया था एंड बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे हमारे बीच में. अच्छा. इसलिए मैंने बोला सिंगल. वेरी नाइस. या आई थिंक वैसे आपको एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है. आप दे सकते हो. मेरी एक प्रॉब्लम है, शादी के बाद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही. शादी के बाद आपको गर्लफ्रेंड बनानी भी नहीं चाहिए. आप ही का दिमाग खराब हो जाएगा. पर मैं करना चाहता हूँ. आई एम जस्ट किडिंग. इस लाइन को 6 बार चलाया जाए तो मुझे बचा लो. मेरे मुंह से बातें निकल जाती है फिर मुझे भुगतनी पड़ती है. मेरा ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं था, कृपया मुझे माफ करें. अर्शिया कहाँ फंसा दिया मुझे ऐसी बातों में. तो अभी क्या प्रॉब्लम क्या आपकी? वो बस कभी कभी दर्द हो जाता है दिल में. हाँ. तो उसका कोई इलाज है या नहीं? ये इलाज आपको बादशाह देगा. मैं ढूंढ देता हूँ कोई. ढूंढ देंगे आप? पक्का. अपने तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करूंगा, रिप्लाई करेंगे. आप इधर आइए, बादशाह आपको उसका हल बताते हैं. साइंटिफिकली प्रूवन है कि यू नो हगिंग हेल्प्स. जादू की जप्पे. हाय अर्शिया. हाय, हाउ आर यू? हाउ आर यू? डियर. थैंक यू अर्शिया. थैंक यू सो मच सर. एंड ऑल द बेस्ट जो भी आप करना चाहती हैं लाइफ में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और कोई हमारे दोस्त जो अपना मसला ये जी वाइट जैकेट कम ऑन ब्रो. सर मेरा नाम नरेश परदेसी है. परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के. परदेसी जी कहाँ से हैं आप? मैं सूरत से आया हूँ सर. अच्छा सर, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे चिपकली से बहुत डर लगता है. क्यों डर लगता है उससे? इतना डर लगता है कि मतलब सांप से भी इतना डर नहीं लगता, उतना चिपकली से डर लगता है. वो मेरे सपने में भी आती है. क्या पहला जवान आदमी देखा मैंने जिसके सपने में चिपकली आती है. वो तो कुछ कहती नहीं है चिपकली तो किसी को भी. एक्चुअली आप देखना कभी दीवार पे खड़ी होगी ना ऐसे करके, कितनी देर खड़ी रहती है, फिर कोई आवाज आती फिर कर दी, फिर आधा घंटा बैठी रहती है, फिर थोड़ी देर बाद वो कभी नहीं किसी को कुछ कहती. मैंने देखी कुछ नहीं कहती. तो फिर तो सर इसका इससे मतलब बाहर कैसे निकला जाए? मोर पंखी रख लो, चिपकली नहीं आती. सच्ची नहीं आती बाजू से? कहते तो है. कहते हैं. मैंने भी रख, मेरे को बड़ा डर लगता है चिपकली से. इतना बड़ा बादशाह. लो जी राज खुल रहे हैं धीरे धीरे लोगों के. आप पिछले जन्म में मच्छर तो नहीं थे? ना सर. आपको देख के आती है. आपको डर नहीं लगता चिपकली से? डर नहीं लगता मुझे, पर ज्यादा मेरे इतने अच्छे रिलेशन भी नहीं है. चलिए परदेसी जी शुक्रिया आपका शो में आने के लिए. धन्यवाद. और कोई हमारे दोस्त? हाँ जी. हेलो अर्चना मैम. हेलो कपिल सर. हेलो. हेलो सोनाक्षी मैम. हेलो.
बंदे चार हैं, छह हेलो किया हमने, दो एक्स्ट्रा कर दिया हमने। हेलो हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन ठाकुरी है। सुमन ठाकुरी? सुमन तुम कहाँ से आई हो, कहाँ से आए हो? नेपाल से। आई लव नेपाल, बड़े प्यारे प्यारी जगह से आए हो आप। जी सुमन। सर मेरा, मुझे पसंद है इमली, और मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तुम इतना इमली क्यों खाते हो, इतना इमली खाओगे तो तुम लेडीज बन जाओगे। तो मैं इसका कोई इलाज है तो बताइए। आपको कोई इलाज की जरूरत नहीं है, आपके दोस्त को इलाज की जरूरत है। क्या बात है, सही बात। तो यहाँ पे तो हमारे तो खैर सब चलता है। हम तो साड़ी वाड़ी भी पहना देते हैं। अगर लड़कियां पैंट पहन सकती हैं तो लड़के साड़ी क्यों नहीं सोचे? बादशाह आए कैसे यहाँ पर? हमारी फिल्म आ रही है। अब खाओ खट्टा, कोई बात नहीं। ओके सर, ठीक है सुमन। ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, रमेश से शादी हो जाएगी? थैंक यू ब्रदर, शुक्रिया। थैंक यू सर। और किसी ने पूछना था नहीं कुछ? माइक दे दीजिए मैम को। सबसे पहले मैं बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ कपिल। थैंक यू मैम। तुम्हारा शो देख के सब थोड़ी देर के लिए सही मतलब खुश होते हैं। थैंक यू मैम। अपना गम परेशानी को भूल जाते हैं। मेरे साथ बहुत सारे हादसे रहे, पर एक हादसा मतलब बहुत ज्यादा ही दुखदाई हो गया था। मेरे पति नहीं रहे थे तो मैं परेशान रहती थी, घर में अकेली रहती थी बहुत ज्यादा। जी। अकेली बिल्कुल रहती थी तो उन दिनों मेरी ननन जयपुर में, उनकी दो बेटी आई हुई आज मेरे पास। अच्छा जी। वो कॉल करके मेरे को हमेशा कहती थी कि तुम ना भाभी कपिल का शो देखा करो। तो मैं देखने लगी और भले ही आंखों में आंसू होते थे पर मैं हंसती थी। हमेशा खुश रही आप। हादसे हम सबकी लाइफ में होते हैं, पर कहते हैं कि यही इसी का नाम जिंदगी है। बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है बड़ी। आप बहुत ब्रेव हैं, सैल्यूट है आपको, और आप हमेशा खुश रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बातें करके, धन्यवाद। सोनाक्षी आप बता सकती है कि हमारी इंडस्ट्री में कौन से पांच हीरो हीरोइन ऐसे हैं जिनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत खराब है? मैं वो नहीं बताऊंगी। अच्छा, कौन जो सबसे अच्छी है जिनकी ड्रेसिंग सेंस? पांच नहीं, दो तीन बोल देती हूं। तीन बता दो चलो। रणवीर सिंह बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, बहुत ही अच्छे, और वो जो कपड़े पहनते हैं वही पहन सकते हैं, और कोई नहीं पहन सकता वो वाले कपड़े। तो मतलब यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल में तो रणवीर ना कैरी बहुत अच्छे से करता है। हां तो मैं बोल रही हूं, जो भी पहनता है वो कैरी बहुत अच्छे से करता है। मुझे लग रहा है सिर्फ बंदा भी पहन के आ जाए ना वो भी कैरी कर लेगा, और वो ही कर सकता है। तो आई थिंक वो उसे कहते हैं ना इंडिविजुअल स्टाइल एक। उसके बाद आई थिंक अक्षय कुमार बहुत अच्छा, उनका स्टाइल बहुत अच्छा। अक्षय भाई जो कपड़े पहनते हैं वो कहीं मिलते ही नहीं, पता नहीं कहाँ से लाते हो, है ना? चुन चुन के, चुन चुन के फॉरेनर्स से करते होंगे शॉपिंग। और एक वो चढ़ा के ऐसे ऐसे कर रहे थे, अरे भाई तो लंबे चौड़े इतने ना, ऊपर से वो ऐसे कर लेते हैं और आदमी लगता है किसी भी टाइम हमला कर सकते हैं ना। वो रहते एक्टिव, एक्टिव ही रहते हैं कि कभी कभी भी मतलब भागना पड़ सकता है उनको। मुझे लगता है नॉर्मल आदमी उठता है, आंखें वाखे मलता है, वो ऐसे उठते होंगे चलो, है ना? बड़ा एनर्जी है उनमें। पर आई लव यू अक्षय भाजी। और तीसरे? और तीसरे ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन हैंडसम आदमी है ना, कुछ भी पहने अच्छा लगता है। कुछ भी बना दो अच्छे ही लगेंगे। आपको पता है सोनाक्षी जो अपने मम्मी पापा के कपड़े भी डिजाइन करती है, हमने सुना है ना? हाँ नहीं सुना। पर वो कर भी सकती है, इतनी इंटेलिजेंट है, जैसे हम लोगों के हमारे मम्मी पापा ही करते थे। और डिजाइन क्या करते थे, खरीद के लाते थे एक, उसके बाद बच्चा मोटा हो गया तो पीछे से खोल देते थे पैंट। तो आप देखना जो बच्चा मोटा हो गया उसके पीछे से पैंट खोल दी, जो लंबा हो गया उसके नीचे से मोरी खोल दी। तो सारी पैंट एक कलर की, खाली मोरी और पीछे। लोग जीत के विक्ट्री का निशान बनाते ना, हमारे पीछे विक्ट्री का बनाता था। वो होती हालातों पे विक्ट्री। अच्छा फिल्म में तो खानदानी शफा खाना है जिसमें ये लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हैं।